हेलो फ्रेंड्स, मैं शाली केसरवानी बाइंड्री ट्यूब प्रयागराज की तरफ से यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक लेटेस्ट सिलेबस लेते हुए आपके सामने कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ, यानी ट्रिपल सी का जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया है, जिसकी नीड आपको हर एक फील्ड में पड़ती है। जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वर्क करना है, तो किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको कंप्यूटर सीखना मस्ट होता है। तो सबसे छोटा कोर्स जो कि 90 डेज का ट्रिपल सी का कोर्स लॉन्च किया गया है, उसके बारे में मैं आज आपको डिस्क्राइब करूंगी, जो कि बेहद ज़रूरी है आपके लिए और इतना इम्पोर्टेंस रखता है आपको फील्ड में वर्क करने के लिए कि आप गवर्नमेंट जॉब को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी कि हर फील्ड में इसका नेसेसरी हो गया है, नीड हो गया है। तो जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया है, मैं उसकी उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगी। तो विद प्रैक्टिकल इसमें आपको, मतलब कंप्यूटर में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी मैं समझाऊंगी आपको कि कैसे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फेस करेंगे आप, या किसी भी फील्ड में कैसे आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट, अपने मोटिव को। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किस उद्देश्य से यूज़ किया जा रहा है, फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कितने सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया, तो उसमें आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रहेगा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने कंप्यूटर को नए नए टेक्निक के साथ स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आपका आता है कि इतने सालों पहले कंप्यूटर की सर्चिंग हुई, लेकिन आज भी कंप्यूटर हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। और इस ये कैसे बना हुआ है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को भी डिस्क्राइब करेंगे। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से बेसिक एप्लीकेशन होते हैं, फिर कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लाइक दैट आपने देखा ही कंप्यूटर, उसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, वीडीयू, वीडीयू मीन्स होता है मॉनिटर। तो ये सारी डिवाइसेस जो कि आपने देखी भी है, तो ये कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। फिर आपकी कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं इसमें, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, फिर कंप्यूटर की मेमोरी जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, जिसमें डेटा स्टोर होता है, तो ये सारी चीज़ें भी रहेंगी इसमें ट्रिपल सी के कोर्स में। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर का शब्द जो है वो जो है आपके इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंक्लूड रहते हैं, जिसमें आप जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, फिर हार्डवेयर क्या होते हैं, फिर ये सब कैसे वर्क करते हैं, मीन्स इनकी भी अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिस पर डिपेंड होकर ये वर्क करते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, आपस में टॉकिंग करते हैं, तो एक लैंग्वेज के थ्रू ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे कंप्यूटर में भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो उस लैंग्वेज के बारे में भी डिटेल करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका होता है कि कंप्यूटर किस डेटा या इंफॉर्मेशन में कम्युनिकेट करता है, यानी डेटा मीन्स होता है कि जो हम इनपुट कर रहे हैं, जो भी डेटा इनपुट कर रहे हैं, जो भी हम सिस्टम में कीबोर्ड के जरिए टाइप कर रहे हैं या माउस के जरिए हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसको हम डेटा कहते हैं। और जो प्रोसेसिंग के बाद जो भी इंफॉर्मेशन तैयार होती है, तो वो कैसे तैयार होती है और कौन कौन से इसमें जो है सिस्टम अप्लाई होते हैं जिसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन प्रिपेयर होती है, तो
डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फिर हम आते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, यानी डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है, और एप्लीकेशन जो होता है इसमें कम्युनिकेशन यानी हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। फिर ई गवर्नेंस का क्या, व्हाट इज ई गवर्नेंस, और मल्टीमीडिया एंड इंटरटेनमेंट की चीजें भी हम कंप्यूटर में बहुत कुछ वो कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। और इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि कंप्यूटर में फंडामेंटल, ये सारी चीजें तो फंडामेंटल में आती हैं कि हम लोग कैसे कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करते हैं, और कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारी चीजें तो बेसिक चीजें हो जाती हैं जो कि फंडामेंटल के अंतर्गत आती हैं। इसमें भी आपका जो है कुछ प्रैक्टिकल के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोडक्शन टू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेन है कंप्यूटर का, एक मेन पार्ट कहा जाता है। तो ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, GUI बेस्ड क्या होता है, CUI बेस्ड क्या होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, फिर अगर हम यदि हम मीन्स होता है एक यूजर, यूजर जो कि कंप्यूटर पर वर्क करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से, तो ये कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डील करता है, यानी चलाता है, टास्क बार का कैसे यूज होता है, फिर आइकन्स का क्या इसमें प्ले है, फिर स्टार्ट मेनू यानी स्टार्ट मेनू के जरिए आप क्या करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, फिर इसके बाद आपका एप्लीकेशन कैसे रन करता है, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। और आपका नेक्स्ट आता है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल सेटिंग हम लोग कैसे करेंगे, यानी एक साधारण सी सेटिंग भी हम कर सकते हैं इसमें, जैसे डेट एंड टाइम सेट करना, फिर कुछ प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉपर्टीज सेट करना, या फिर कुछ इसमें नई डिवाइसेस, कुछ नया कंपोनेंट आप अटैच करना चाहते हैं, माउस की प्रॉपर्टी को सेट करना, और प्रिंटर से रिलेटेड कुछ सेटिंग को ऐड करना और रिमूव करना। और इसके अलावा इसमें हम लोग फाइल या डायरेक्टरी को कैसे मैनेज करते हैं, बहुत सारी टाइप्स की फाइलें होती हैं, उस फाइलों को हम कैसे किस सीक्वेंस में रखते हैं, या फिर उसको किस टाइप से फोल्डर में रखते हैं, ये सारी चीजों से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका जो है, जो कि एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है, यानी अब हम लोग आ गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए हम ऑफिस में भी वर्क कर सकते हैं, ऑफिस में जैसे कि लेटर टाइप करना, या फिर आप मैगजीन टाइप कर सकते हैं, या आप जो है एप्लीकेशन टाइप करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट यानी टेक्स्ट रिलेटेड कुछ भी वर्क करना चाहते हैं वो आप वर्ड प्रोसेसिंग पे कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड जो होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है, तो ये हम लोग कैसे ओपन करेंगे, इसका वर्क कैसे होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसका क्या क्या उद्देश्य होता है, फिर इस पैकेज में मीनू बार को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये एग्जीक्यूट करना मीनू बार को, या फिर उसके नीचे जो टूल बार्स होती है बहुत सारी, उस टूल बार्स से रिलेटेड भी हम आपको काफी कुछ बताएंगे इसमें, डिस्क्राइब करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कैसे ओपन करते हैं और किस टाइप से क्लोज करते हैं, उसको सेव करना, फिर डॉक्यूमेंट्स के पेज की सेटिंग करना, और उसका प्रीव्यू देखकर उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, ये सारी चीजें भी वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं, जिसके बारे में हम आपको प्रैक्टिकल विद थ्योरी बोथ आपको डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आपका इसी में ही वर्ड प्रोसेसिंग में ही आता है एक नया टॉपिक है, जो कि टेक्स्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन से रिलेटेड होता है, यानी हम
वर्ड में, एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे, उस टेक्स्ट को हम फॉर्मेट करेंगे, एडिटिंग करेंगे, उसको सिलेक्शन करेंगे, फॉन्ट साइज चेंज करेंगे या कलर वगैरह चेंज करेंगे, या फिर हमें कुछ टेक्स्ट राइट साइड करना है, लेफ्ट साइड करना है, यानी उसका अलाइनमेंट भी सेट करते हैं। और इसके अलावा पैराग्राफ की इंडेंटिंग करना या बुलेट्स नंबर सेट करना, फिर इतनी सारी फॉर्मेटिंग करने के बाद आप उसको जो है केस चेंज करते हैं। केस चेंज करना मीन्स जो है आप अपने सेंटेंस को, आप अपने टेक्स्ट को सेंटेंस केस में या अपर केस में या लोअर केस में किस टाइप से सेट करना चाहते हैं, वो भी फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट के अंतर्गत आपको बताया जाएगा। अब आपका टेक्स्ट का वर्क तो हो गया कि आपने वर्ड में टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क किया, लेकिन आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप उस पे डिजिट से रिलेटेड यानी नंबर से रिलेटेड भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने मान लीजिए टेबल के अंतर्गत कोई भी डिजिट रखना चाहते हैं या कोई भी डेटा रखना चाहते हैं या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो टेबल को ड्रॉ करना ये कैसे होता है, या फिर सेल की हाइट और विड्थ, यानी टेबल क्या होता है, टेबल रो और कॉलम से बनती है और रो और कॉलम कैसे बनता है, एक सेल जो कि रो और कॉलम कैसे होता है कि एक सेल को इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे हम सेल की हाइट को विड्थ को कैसे सेट करते हैं, फिर सेल के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे करेंगे या टेक्स्ट को डिलीट करना, फिर टेक्स्ट का नया टेक्स्ट का इंसर्शन करना, या रो और कॉलम की कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है अपने टेबल में कि हमने पूरा रिकॉर्ड तो तैयार कर लिया बट हमें बीच में क्या होता है कि रो और कॉलम यानी एक नई रो चाहिए और एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, तो इन सबको भी आप वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत सीखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कि आपने टेबल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आप बॉर्डर एंड सेटिंग कैसे सेट करेंगे, मतलब उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको बॉर्डर एंड शेडिंग भी बनाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो उसमें बॉर्डर एंड शेडिंग भी सेट करना तो भी पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपकी वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग बातें करते हैं कि जब किसी भी फील्ड में हम वर्क करते हैं, मान लीजिए ऑफिस में ही वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि कभी कभी वर्ड्स एमएस वर्ड्स से ही हमारा काम इनफ नहीं हो पाता है, तो हमको एक्सेल यूज करना पड़ता है। एक्सेल क्या होता है, एक स्प्रेडशीट होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जिसपे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपने नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और वो काम हमारा सेकेंडों में भी हो जाता है, यानी बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा है तो हम कैसे उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस पर फंक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें हम स्प्रेडशीट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिर स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या होता है, इसका यूज करने का उद्देश्य क्या है, फिर आपका इसमें स्प्रेडशीट कैसे ओपन होती है, फिर जो स्प्रेडशीट तक तो आप ओपन करके पहुंच गए लेकिन आपके सामने बहुत सारी सेल होती है शीट के अंदर, उस हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है, वो आपको कहाँ इंडिकेट होता है, यानी आप किसी एक सेल पर वर्क कर रहे हैं फिर आपको किसी दूसरे सेल पे जाना है तो सेल पर कैसे जाएंगे और उसका एड्रेस कहाँ इंडिकेट होता है वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। फिर किसी भी स्प्रेडशीट पर अगर आप काम कर चुके हैं तो उस स्प्रेडशीट को सेव करना या उसको प्रिंटिंग करना इसके अंतर्गत आएगा कि हम कैसे उसको फाइल का ऑपरेशन यानी फाइल मेन्यू के ऑपरेशन के अंतर्गत आपको किस शीट को ओपन, वर्कबुक को ओपन करना या शीट को ओपन करना, सेल पर कैसे वर्क करना, ये सारी चीजें जो है फाइल ऑपरेशन के अंतर्गत रहेंगी। फिर आपका आता है कि आपने सेल में टेक्स्ट एंटर किया या फिर नंबर या फिर डेट एंटर किया है, उस एंटर किए हुए डेटा को आप कैसे सॉर्टिंग में करते हैं या उसमें कुछ नई सेल नई रो या नई कॉलम को एंटर करने की ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है, फिर या फिर आप उस
सेल का सेटिंग करना चाहते हैं, मीन्स रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को भी आप जो है इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, और डेटा को एडिटिंग करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ भी आप इसमें स्प्रेडशीट के अंतर्गत पॉसिबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रिकॉर्ड हमने स्प्रेडशीट के अंतर्गत तैयार किया है, तो वो कैसे आप ग्राफिकल मैनर में डिस्प्ले करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे चार्ट्स प्रोवाइड किए गए, कई टाइप्स, मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स डिस्प्ले इन इंसर्ट मेनू, सो यू कैन यूज चार्ट्स एंड अप्लाई द फॉर्मूलाज फंक्शंस, तो आप जो है ये सारे वर्क कर सकते हैं और अपने रिकॉर्ड को और अच्छा बना सकते हैं और सेकंडों में तैयार कर सकते हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शन के थ्रू। तो बहुत टाइप्स के फंक्शन भी होते हैं, फॉर्मूलाज भी होते हैं, ये सारे कैसे यूज किए जाते हैं ये आपको थ्योरी विद प्रैक्टिकल दोनों समझाया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है इसमें आता है नया सिलेबस जो है वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। तो अभी तक तो हम लोगों ने कुछ बातें की फंडामेंटल के बारे में कि कंप्यूटर क्या क्या होता है और उसकी बेसिक जानकारी, फिर उसके बाद हमने बातें की आपसे एमएस वर्ड आप कैसे यूज करते हैं या फिर स्प्रेडशीट कैसे यूज करेंगे, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी कुछ डिस्कस किया हम लोगों ने। लेकिन अब हम लोग बातें करते हैं कंप्यूटर पे कम्युनिकेशन करना, और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये आपका इंटरनेट के जरिए ही पॉसिबल हो पाता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यानी इंटरनेट कैसे यूज करेंगे, क्या है इंटरनेट, क्या उद्देश्य इसका हो सकता है यूज करने का, और कैसे ये इंटरनेट बनाएंगे आप, मीन्स कैसे ये इंटरनेट बना, मीन्स नेटवर्किंग को यूज करते हुए ये इंटरनेट कैसे इतना वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, यानी पूरी दुनिया भर में, पूरे ग्लोबल में फैला हुआ एक जो है जाल है जो कि आपने इसके जरिए इंटरनेट क्रिएट किया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट और बेसिक आर्किटेक्चर जो होता है इंटरनेट का, ये भी आप समझेंगे। यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं कि इंटरनेट के जरिए क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड होती है, और ये सर्विसेज जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब या वेबसाइट के थ्रू होती है। फिर आप जो है इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी आप इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए आप ब्रॉडबैंड और डायलअप कनेक्शन और वाईफाई क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में भी आपको जो है डिस्कस करेंगे हम कि कैसे ये एक्सेस होता है, किस किस माध्यम के जरिए, किस किस टेक्निक को यूज करते हुए आप जो है इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है WWW एंड वेब ब्राउजर। WWW एंड वेब ब्राउजर ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि ग्लोबली फैला हुआ एक जाल है इंटरनेट, तो इसमें जो है कैसे इंटरनेट वर्क करता है, यानी आपके सिस्टम में वेब ब्राउजर होना चाहिए, और वेब ब्राउजर जो होगा तभी आप जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि वेब ब्राउजर क्या होता है या WWW क्या है, और वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो है कैसे वर्क करता है, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, फिर सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन मीन्स आप जिसपे अपने नए नए क्वेश्चन को टाइप करते हैं यूआरएल एरिया में और उसको अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट होती है, यानी एक ऐसा कुछ जादू होता है जिससे कि आपकी ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन पुट अप हो रहा है और आपने उस क्वेश्चन को टाइप किया सिस्टम में और उसका आंसर आपके सामने आ गया। जैसे कि मान लीजिए आप कपड़े की डिजाइन चाहते हैं या फिर किसी मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप किसी भी न्यूज के बारे में जानना चाहते हैं,
दुनिया भर के किसी भी आप मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सब जो है आपका पॉसिबल होता है वेब ब्राउजर के थ्रू। और वेब ब्राउजर सर्च इंजन यूज करता है, तो सर्च इंजन कैसे यूज किया जाता है, फिर वेब पेजेस कैसे बनते हैं या डाउनलोड कैसे किए जाते हैं, फिर आपका जो है ये वेब पेजेस को प्रिंटिंग करना, और प्रिंटिंग करने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि कैसा आपने वेब पेज डाउनलोड किया और कैसा उसको प्रिंट आउट निकाला। ये सारी चीजें यानी इन सारे मैटर्स के बारे में भी हम लोग WWW और वेब ब्राउजर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिर आपका कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन आता है, तो ये क्या होता है कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है कि आप जो है मोबाइल पे कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से बातें करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं, तो इसके लिए क्या होता है आपको सेकेंडों का भी टाइम नहीं लगता और तुरंत आप जो है एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। पुराने समय में क्या होता था कि लेटर के थ्रू काम होता था, लेटर पहुंचता भी नहीं भी पहुंचता, फिर कितना टाइम लग जाता था, लेकिन अब ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया गया है इंटरनेट के जरिए। आप अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं और सेकेंडों में उसका रिप्लाई भी रिसीव कर सकते हैं, तो यानी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए ये सब पॉसिबल हो पाया है। फिर ईमेल क्या होता है, ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा, फिर ईमेल को यूज कैसे करते हैं, और एक क्लाइंट ईमेल को कैसे ओपन करता है, फिर उसका जो है मेल बॉक्स के जरिए कैसे उस मेल बॉक्स में जाके कैसे इनबॉक्स को यूज करेंगे या आउटबॉक्स को यूज करेंगे, फिर आपने मैसेज कैसे बनाना है, उस मैसेज को कि मान लीजिए किसी का मैसेज आपके पास आया है तो उसको कैसे रिप्लाई करना है, आपको मैसेज को फॉरवर्ड करना है, और कोई भी मैसेज मान लीजिए बहुत सारे मैसेज आपके पास आए हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको पता है कि हर वक्त इस टाइम मैंने आजकल के समय में जो भी वर्क हो रहा है वो सारा मैसेज के थ्रू हो रहा है, आप घर बैठे ही सारा काम कर लेते हैं, तो आप कैसे मैसेज को सेंड करते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे उसको फॉरवर्डिंग करते हैं, फिर सॉर्टिंग करना, फिर सर्चिंग करना और उसके नए फीचर्स को भी सेट करना, ये सारी बातें हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। फिर यहाँ पे हम लोग इतना ही नहीं, सॉफ्ट कॉपी कैसे बनती है, कैसे भेजी जाती है, अटैचमेंट उसका कैसे होता है, फिर और भी बहुत सारी चीजें यानी लोगो लगा के आप कैसे मैसेज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, फाइल को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने फोटो को कैसे यानी पिक्चर को कैसे एक जगह दूसरी जगह सेंड करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं जो कि आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए। तो यहाँ पे जो भी यूजर मान लीजिए सिस्टम पे आप बैठे हैं, आपने क्या क्या क्वेश्चन टाइप किया और उस क्वेश्चन का आंसर आपका कहीं से आ गया, तो आप क्या हुए, आपने क्वेश्चन टाइप किया यानी आपने एक रिक्वायरमेंट की और उसका जो है आंसर यानी वो आपका आंसर जो सर्व हो गया वो कहाँ से आया, वो होस्ट से आया, वो आपका जो है सर्वर काम कर रहा है, और आप जो कि एक यूजर है जो कि एक क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं, यानी आप एक क्लाइंट हैं, तो क्लाइंट और सर्वर का क्या कैसे वर्क होता है ये भी आपका डिस्कशन होगा इसमें इंटरनेट के कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन में। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि आजकल के टाइम में हमारा मान लीजिए हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सेल करना चाहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सेल करने के लिए क्या होता है कि आजकल जो है हम लोग पहले क्या होता था कि लोग बोल बोल के एडवर्टीजमेंट करते थे, लेकिन अब हम लोग इंटरनेट के जरिए यानी कि प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, एक ऐसा प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो सके। जैसे कि आपने
टीवी में देखा या फिर मूवी देखते हैं तो क्या होता है, एड आती है। तो उस एड में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनी के थ्रू, तो वो क्या होता है कि ऑडियंस के सामने रखा जाता है कि अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन बना के कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में डिमांड की जा सके। तो उसके लिए आप कैसे जो है अपने प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे, वो प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, और प्रेजेंटेशन बनाते हैं किस पे, पावर पॉइंट पर। पावर पॉइंट को यूज करते हुए हम अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, ताकि हमारे बनाए हुए जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में उसकी डिमांड हो सके और हम सेल कर सके उसको। तो ये जो है प्रेजेंटेशन तैयार करना, यानी पावर पॉइंट के बारे में भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पावर पॉइंट क्या होता है, पावर पॉइंट कैसे ओपन किया जाता है, उसका यूज कैसे होता है, फिर उसपे बनाए हुए प्रेजेंटेशन कैसे सेव किए जाते हैं। फिर एक मान लीजिए आपने प्रेजेंटेशन तैयार किया, प्रेजेंटेशन तैयार करते समय आपको, आपने पूरा तो तैयार कर लिया लेकिन बीच में क्या हुआ, कई कई स्लाइड का प्रेजेंटेशन आपने तैयार कर लिया, क्योंकि पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड पर ही प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। तो मान लीजिए आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो गया, बीच में कुछ ऐसा जो है स्लाइड की जरूरत हुई जिसपे आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, तो उस स्लाइड को ऐड करना, यानी एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना, या फिर कोई ऐसी स्लाइड है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, और या फिर कुछ आप नए ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे काम करना चाहते हैं, या फिर एक टेम्पलेट्स पर, टेम्पलेट्स की स्लाइड को यूज करते हुए आप काम करना चाहते हैं। यानी कि सिस्टम में ये भी प्रोवाइड कर दिया गया है कि मान लीजिए यूजर को कभी कभी ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अलावा एक डिजाइनिंग स्लाइड की जरूरत होती है, तो उस पर भी प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि स्लाइड पर प्रेजेंटेशन तैयार करना और नई स्लाइड को इंसर्ट करना, पुरानी स्लाइड को यानी एक अनवांटेड स्लाइड को डिलीट करना, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और विद प्रैक्टिकल ये चीज हम आपको समझाएंगे। फिर अब हम लोग आते हैं कि स्लाइड तो प्रिपेयर हो गई, अब स्लाइड का जो है, मान लीजिए कभी कभी लगता है कि अभी भी कुछ स्लाइड के प्रेजेंटेशन, मतलब जो प्रेजेंटेशन हमने बनाया है उसमें कुछ कमी, मतलब कुछ ऐसा जो है लुक अच्छा नहीं आ रहा है, तो उसपे हमको लोगो ऐड करना, या फिर कुछ नया क्लिप आर्ट ऐड करना, या हमने मान लीजिए दूसरे सॉफ्टवेयर पे कुछ वर्क किया है, उस वर्क को अपने प्रेजेंटेशन में हम जोड़ना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे, इंसर्ट मेनू को यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट ऑप्शन को कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट को स्केलिंग कैसे करना, रिसाइज करना, इस चीज के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए आपने आपने देखा होगा कि मूवी वगैरह भी आजकल जो बच्चों की कार्टून फिल्म होती है वो भी तैयार की जाती है, तो उसका भी एनिमेशन आपका प्रेजेंटेशन पर ही होता है, यानी पावर पॉइंट में ही होता है। और एक मूवी को ऐड करना, या फिर उसमें साउंड ऐड करना, और उसमें कलर और लाइन स्टाइल देना, हेडर फुटर ऐड करना, ये सारी चीजें भी आपको इसके अंतर्गत बताई जाएंगी। नेक्स्ट आपका होता है कि आपका स्लाइड का व्यूइंग कैसा आ रहा है, यानी व्यू कैसा आ रहा है, फिर इसके बारे में भी जो है कैसे स्लाइड का व्यू तैयार किया जाता है, और कैसे उसको शॉर्टकट की के जरिए भी ये सारे फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। फिर आप हैंडआउट्स तैयार करना चाहते हैं, यानी कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किया है उसका हैंडआउट्स तैयार करना, और उस हैंडआउट्स को तैयार करके उसकी प्रिंटिंग करना। फिर स्लाइड शो को रनिंग मोड में कैसे लाया जाए, और टाइम टू टाइम आप इसका प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो ये सारा काम आप कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में आपको इसमें पावर पॉइंट के अंतर्गत बताया जाएगा। तो इस तरीके से जब आप 3 मंथ का यानी 90 डेज का कोर्स ये कर लेते हैं, फिर आपको क्या होता है कि कंप्यूटर चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप किसी भी फील्ड में आपको
इन सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करना है या फिर कैसे भी आपको कंप्यूटर का वर्क फेस करके ऑफिस में जॉब कर सकते हैं और ट्रिपल सी की डिप्लोमा कोर्स लगाते हुए आप जो है कैसे नई जॉब पा सकते हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है आपके लिए जब आप CCC को क्वालिफाई कर लेंगे। सो थैंक यू।